अब तक आपने देखा सिड आदि और अंजलि के साथ मिलकर नंदिनी को घर से भगा ले जाता है और नकुल उन्हें पकड़ने में नाकाम हो जाता है। वानी सबको राधेश्याम के रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में बताती है और साथ ही सिड को नंदिनी से दूर रहने की सलाह देती है। ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती, पर वो नंदिनी इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। बच्चे घर में नंदिनी को देखकर हैरान होते हैं, लेकिन फिर उसको घर वालों से छुपने में मदद करते हैं। घर में सब दिवाली की पूजा की तैयारी करते हैं, तभी वहाँ राधेश्याम पुलिस लेके पहुँच जाता है। अब आगे चलो बच्चों, लक्ष्मी पूजन के लिए देर हो रही है, इन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। आ जाओ। इंस्पेक्टर चलिए आओ। नकुल हवलदार पूरे घर की तलाशी लो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। मैडम हमने सारे कमरे चेक कर लिए, बस ये कमरा बाकी है। गो अहेड, वो मेरा ही कमरा है, ले लीजिए तलाशी। वहां भी कोई नहीं मिलेगा। थैंक यू मैम। अब तो गए भाई। जी महाराज की जय। राधेश्याम जी, कोई नहीं मिला ना आपको? लेकिन आज पूजा के दिन आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं? ये लीजिए, प्रसाद है, मीठा है, इससे जबान की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती। जानते हैं, आज मैंने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि आपके लिए मांगा, थोड़ी सी सद्बुद्धि और बहुत सारी शर्म। सुधर जाइए मिस्टर राधेश्याम द्विवेदी,
सत्संग करने की उम्र में आप लोगों को ऐसे तंग करते फिर रहे? थोड़ा तो डरिए भगवान से। कीजिए, प्रसाद लेते जाइए। तुम ठीक हो ना? पता नहीं सिड, मैं ठीक हूं या नहीं, मुझे फिलहाल अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ये जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारे दादाजी यहां से चले गए हैं, अब कोई रिस्क नहीं है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सिड भैया, सिड भैया, हमें भी हक। ओ गलत पोजीशन, एक मिनट। हमें भी डर लग रहा है सोरा, हमें भी, आई मीन हमें भी गलत लग। यहां कहां कोने में खड़े हैं आप? कब से ढूंढ रहे हैं आपको? कितना काम बाकी है? चले, कल इससे भी बड़ा धमाका होना है। चले नंदनी। ओहो, अभी से? पांडे जी, ये शादी कब हो सकती है? बेटा कल 11 बजे बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, पर उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों में से 2 जन को यहाँ ले आना पड़ेगा। फिर इसके बाद आर्य समाज की विधि से कल विवाह संपन्न हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, तो कल मैं पूरी तैयारी के साथ आपके पास आऊंगा। जी प्रणाम। माँ को फोन ट्राई करूं? सॉरी ओए, आई सेड नकुल। नजर लग गई मेरे पोतों को, जब देखो तब पिटपिटा के आ जाते हैं। दादी मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं उस राधे श्याम को छोड़ूंगा नहीं। आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है? वो तेरे खानदान को खत्म कर देना चाहता है। देख ले, बैटिंग भी शुरू कर दी। सिड साफ साफ बता मुझे, ये सब मिस्टर राधेश्याम ने ही किया है ना? नहीं मामा, उन्होंने कुछ नहीं किया। झूठ है ये सब।
Oh God, Sid. I'm so sorry. मुझे पता था दादाजी बिल्कुल नहीं मानेंगे और तुम्हें इतनी चोट, ये सब मेरी वजह से हुआ. I'm so sorry. तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ नंदनी. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी. नहीं, सारी गलती मेरी है. ना मैं यहाँ आती हूँ, ना ये सब कुछ होता. मुझे अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था. अब मैं तुम्हारी जान अब खतरे में नहीं डाल सकती. मैं चली जाऊंगी यहाँ से. चली जाऊंगी मैं यहाँ से. तुम चली जाओगी तो ये जान वैसे ही चली जाएगी. प्लीज प्लीज डोंट गो. प्लीज डोंट गो. आ गया ना सच सामने. अब बोल वाणी अग्निहोत्री, बोल अब क्या दलील देगी अपने बेटे को बचाने की. तुम दोनों बहनें पुलिस को धोखा दे सकती हो पर मुझे नहीं. खून पहचानता हूं मैं तुम लोगों का और ये भी जानता हूं कि कब क्या रंग दिखाएगा. बहुत न्याय की देवी बनी फिरती हो ना. अब बता अब क्या करोगी अपने बेटे का. जाओ नंदिनी. जाओ अपने दादाजी के साथ जाओ यहां से. चलो नंदिनी. नंदिनी चलो. एक मिनट. जाने से पहले मुझे एक बात बता दो, क्या मेरा बेटा तुम्हें यहां जबरदस्ती लाया था?
बिल्कुल नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि सिड और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए बगैर किसी की परवाह किए मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ चली आई। ताकि हम शादी कर सके और एक हो सके। तो आप इरादा क्यों बदल रही हो? जी मैंने कहा जब शादी करने के इरादे से आई थी तो आप इरादा क्यों बदल रही हो? बालिग हो ना तुम, तो तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। कानून भी तुम्हें नहीं रोक सकता, तो तुम्हारे दादाजी क्या चीज है? एंड बाय द वे मिस्टर राधेश्याम द्विवेदी, आप मेरे खून को पहचानते हैं ना, तो उसे इस तरह नहीं बहाना चाहिए था। गलती कर दी आपने। अब देखिए मेरे बेटे को मिली एक एक चोट आपको कैसे दर्द देती है। तक मैं इस शादी के खिलाफ थी ना, अब मैं बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अब ये शादी मैं खुद करवाऊंगी। वो भी बड़े धूमधाम से, दिवाली के पटाखों के साथ। इसलिए आप जल्दी से अपने कान बंद कर दीजिए, क्योंकि इस घर की खुशियों का शोर अब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे जा! मेरे रहते तेरे घर में सिर्फ मातम बनेगा, मातम। तू कौन होती है मेरी पोती की शादी करवाने वाली? नंदिनी तू इनके बहकावे में मत आना, चल मेरे साथ। सुना नहीं आपने? वो इस घर की होने वाली बहू है।